तो गाइस पिछले 24 घंटों में आखिर WWE में क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सेमी ज़ेन आज के मंडे नाइट रॉ में यहाँ पर रिटर्न करते हैं, यहाँ पर गुंथर को चैलेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आज के मंडे नाइट रॉ में यहाँ पर ड्रू मैकएल्टर ने काफी पूरी तरह से यहाँ पर ब्रूटली अटैक कर दिया था सीएम पंक के ऊपर। नेक्स्ट रॉमन ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो की आपको देखने को मिलेगा WWE की तरफ से। नेक्स्ट क्या रिया रिपली वर्सेस डोमिनिक मिस्ट्रियो के बीच एक मैच हमें देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस ऐसे ही हर रोज न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं रिया रिपली और डोमिनिक मिस्ट्रियो के बारे में। डोमिनिक मिस्ट्रियो ने यहाँ पर WWE से ऑफिशियली ये मांग किया है कि वो यहाँ पर रिया रिपली के साथ 1-on-1 फाइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आज ही का वो दिन है जब एंड्रे द ग्रेट जायंट ने अपना पहली बार डेब्यू किया था WWE में। तो गाइस आज ही के दिन लुइस जॉगर के यहाँ पर डेथ हो गया जो कि फॉर्मर WWE टैग टीम चैंपियन थे। उसके बाद नेक्स्ट WWE की तरफ से एक नया रिपोर्ट आया है कि इस समय करंट टाइम में WWE में सबसे ज्यादा फैंस फॉलोइंग किसका है। तो करंट टाइम में WWE में सबसे ज्यादा फैंस फॉलोइंग यहाँ पर रॉमन रीज़ के है 27 मिलियन, उसके बाद है रिया रिपली के 22 मिलियन, उसके बाद है यहाँ पर ली मॉर्गन का 20 मिलियन। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज का पहला ही मैच यहाँ पर कंफर्म होने वाला है सीएम पंक वर्सेस गुंथर के बीच। उसके बाद गाइस आज के इस मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर सेमी ज़ेन रिटर्न करने के बाद सीधा यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं गुंथर को। और गाइस आज के इस मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकएल्टर ने काफी पूरी तरह से ब्रूटली अटैक कर देते हैं यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर, उनको देख रहे स्ट्रेचर से ले जाया जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सीएम पंक का ब्रेसलेट तोड़कर उनके ही मुंह में डाल देते हैं, आप देख सकते हैं उनका किस तरह ब्रेसलेट टूटा हुआ है। तो गाइस इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर गुंथर फेस करने वाले हैं सीएम पंक को सर्वाइवर सीरीज में। उसके बाद गाइस यहाँ पर WWE की तरफ से ये रूमर्स निकल के आ रहा है कि मंडे रोज एक बार फिर से WWE में रिटर्न करने वाली है। जब यहाँ पर WWE में रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ और साथ साथ स्मैकडाउन दोनों पर यहाँ पर कम्प्लीटली होने वाली है अवेलेबल। उसके बाद गाइस यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के बारे में काफी बैड न्यूज है इनको लेकर कि ब्रॉन्सन रीड इस समय कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कोविड पॉजिटिव है। तो गाइस क्या सच में रिया रिपली वर्सेस डोमिनिक मिस्ट्रियो एक मैच होने वाला है 1-on-1? जी हाँ गाइस ये मैच आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है जब इनके बीच फाइट देखने को मिलेगा तो। और इस समय ऑडियंस यही चाहती है कि एक बार जबरदस्त मैच हो जाए यहाँ पर रिया रिपली और डोमिनिक मिस्ट्रियो के बीच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इस समय रॉमन रीड्स को लेकर बताया जा रहा है कि उनका एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है उनके थीम सॉन्ग को लेकर। ऐसा बताया जा रहा है कि रॉमन जी एक ऐसे रेसलर होने वाले हैं जिनका यहाँ पर थीम सॉन्ग 88 पोजीशन पे पहुंच चुका है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो गाइस फाइनली आज 100 दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं लिव मॉर्गन का। और गाइस इस पर लिव मॉर्गन का एक बढ़िया सा कमेंट आया था कि वो इस समय का सबसे डेकोरेटेड WWE वुमेन्स चैंपियन है। तो गाइस फाइनली आज 1 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर सीएम पंक को AEW से फायर्ड होते हुए। तो गाइस आज ही का वो दिन था जब यहाँ पर टोनी खान ने AEW से यहाँ पर फायर्ड कर दिया था सीएम पंक को ऑफिशियली। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर रोमेज को लेकर एक और रूमर्स निकल के आ रहा है कि रोमेज इस बार मिस करने वाले हैं बैड ब्लड लाइन। वैसे तो गाइस इसी प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमेज के लिए मैच होना था वो भी सोलो सिकाओ के लिए, पर एनी हाउ ये मैच यहाँ पर रोमेज मिस करने वाले हैं।